एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपका ये फॉर्मूला इसके पहले दिया गया है, साइन 90 डिग्री माइनस ए। सपोज क्या है, आपका साइन है, उसके बाद 90 डिग्री करके क्या होगा, एक एंगल दिया रहेगा, ठीक है। इस तरह का हो तो क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे साइन की जगह क्या चेंज हो जाएगा, वो कोस। और जो एंगल यहाँ पे 90 के बाद माइनस करके दिया रहता है वही यहाँ पे आ जाएगा। ये किसके लिए हो गया, साइन के लिए। साइन का क्या हो जाता है, कोस। अब कोस के लिए क्या हो जाएगा, अगर कोस 90 माइनस ए दिया हो तो आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे साइन ए। क्या आएगा, कोस का साइन हो गया और 90 माइनस ए की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे ए। नेक्स्ट जो है 10 का हो जाएगा कोट। आपको कैसे लर्न रखना है, साइन का कोस, कोस का साइन उल्टा, ठीक है। इस तरह साइन कोस, 10 कोट, सेक कोसेक। तो साइन का कोस, कोस का साइन, देन यहाँ पे आएगा 10 का कोट, कोट का क्या आएगा 10, उल्टा हो जाएगा। सेक का कोसेक एंड कोसेक का क्या आएगा आपका सेक। इस तरह से आपका ये दिए रहेगा। अब इसी के बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, देखो यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट दिया है साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री। अब किसी एक को आप क्या करो, चेंज कर दो, जिससे कोस कोस क्या हो कट जाए या फिर दूसरा कुछ है। ओके, तो करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने अभी लर्न किया था ये फॉर्मूला, क्या लर्न किया था, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। मीन्स एक कोस, अगर मैं ये बात करूँ, देखो इसके जैसा साइन ए है, साइन 18 डिग्री है एंगल यहाँ। अगर मैं इसको 90 माइनस करके लिखूँ तो क्या लिखूँगा, कोस 90 माइनस 18 लिखूँगा। इस तरह से क्या लिखूँगा, कोस 19 माइनस 18 लिखूँगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 18 को, क्या लिख सकता हूँ, साइन की जगह क्या लिखूँगा यहाँ पे, कोस 8 क्या आएगा 19 माइनस क्या आएगा यहाँ पे, हो जाएगा ये 18, सेम यही थीटा, डिवाइडेड बाय क्या दिया गया है यहाँ पे, कोस 72 डिग्री। ओके, अब देखो कोस ये रहा एज इट इज, 90 माइनस 18 करोगे तो क्या आएगा 72, डिवाइडेड बाय क्या आ गया है यहाँ पे भी 72 डिग्री है। अब देखो सेम है तो कट जाएंगे, क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 1। यहाँ पे मैंने किसको चेंज किया, ये साइन वाले को चेंज किया। आप हो सकता है नीचे कोस वाले को चेंज कर दो, कोस वाले को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन 90 माइनस क्या लिख दोगे यहाँ पे, इस तरह से देखो। अब ए वाला मैं वापस से करा दे रहा हूँ, एक दूसरा मेथड से क्या करोगे, देखो साइन 80 डिग्री है इस तरह से, डिवाइडेड बाय इसको देखो आप चेंज कर दो, किसमें कोस में है तो साइन में क्या लिखोगे, इसको साइन 90 माइनस करके लिखोगे जो यही थीटा दिया रहता था। ओके, यहाँ पे जो था हम इसका उल्टा लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया था कोस, इस तरह साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए होता है, तो आप इसका उल्टा भी तो लिख सकते हो, कोस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब साइन 18 एज इट इज, अब देखो साइन 90 माइनस 72 करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 18, 90 में से 72 सबट्रैक हो गया, साइन 18 साइन 18 कट जाएगा, क्या आएगा आपका आंसर 1 आने वाला है। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सेम वैसा ही है, 10 और कोट में दिया गया है, तो आप चाहे 10 को चेंज कर लो या फिर किसको चेंज करो, यहाँ पे कोट को चेंज कर लो। तो यहाँ पे हम देखो 10 को चेंज कर लेते हैं, 10 वाला फॉर्मूला ये देखो किधर है, ए रहा कुछ, ए रहा 10A इज इक्वल टू, देखो हमें रिवर्स फॉर्मूला लगाना है, इस तरह दिया हो तो हम इस तरह लगा सकते हैं, अगर इस तरह दिया हो तो इधर हम इसका इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। देखो 10A मींस 1026, यहाँ पे 26 की जगह A हैगा, तो हम इसको कोट में लिखना चाहे, देखो नीचे कोट है ऊपर भी कोट में लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, देखो 10 ये देखो कोट आ गया, अब 90 माइनस करेंगे, 90 डिग्री माइनस A आपके जगह क्या है 26, तो हम यहाँ पे 26 लिखने वाले हैं। कंप्लीट सेम, अब कोट एज इट इज लिख दो यहाँ पे 64। अब देखो कोट 90 माइनस 26 क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस, जब आप ये क्या करोगे 90 माइनस 26 तो क्या हो जाएगा आपका 64 कर दो, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 26 ही आ जाने वाला है, 1026 तो वो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय जो दिया है वो। अब देखो कोट 64 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री, जस्ट दैट मीन्स 4 बाय 4 क्या होता है,
कट जाएगा, वन आएगा, सेम यहाँ भी आंसर क्या आया इसका, वन आया। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री में भी ऐसा दिया है, एक कोस में दूसरा माइनस करके साइन में है। देखो 48 है, ये क्या है 42 है। देखो जब आपको 30, 20 मान लो जो भी आपका मान लो टेबल में जो वैल्यूज दी गई थी वो ना दिया गया हो आपको एंगल, जैसे 30, 0, 45 एंड 60, तो आप ए वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे 90 माइनस। किसी एक को चेंज करना पड़ेगा आपको, जैसे कोस में है चाहे इसको साइन में चेंज कर दो। देखो साइन 48 है तो साइन 42 आ जाएगा, तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे से कट जाएंगे प्लस माइनस। तो चाहे मैं इसको चेंज करूं या फिर इसको, चलो इसको चेंज करता हूं इस बार सेकंड वाले को। तो कोस 48 एज इट इज़ माइनस, इसको कोस में लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा, इस तरह से कोस 90 माइनस 42 डिग्री, जो डिग्री दिया गया है वही। अब देखो इसको मैं कोस 48 एज इट इज़ लिखता हूं माइनस कोस, ये 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा आपका 48 ही आने वाला है। तो देखो कोस 48 माइनस कोस 48, तो ये देखो इस तरह से होगा 2 माइनस 2, क्या होता है आपको पता है 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, तो कोस 48 माइनस कोस 48 तो क्या आंसर आएगा आपका 0 आएगा। सेम हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, कोसेक 31 एंड सेक क्या है 59। अब कोसेक एंड सेक में क्या होता है 90 माइनस वाला करते हैं तो एक दूसरे में आएंगे, तो हम किसी एक को चेंज करते हैं, यहाँ पे चलो पहले वाले को चेंज करता हूँ। तो कोसेक का क्या हो जाता है सेक, बट 90 माइनस इस तरह से करोगे, जो डिग्री यहाँ पे एंगल दिया है वही लिख दो, देन सेक 59। ओके नाउ अब देखो सेक 90 माइनस यहाँ पे 31 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 90 में से, तो क्या बचेगा यहाँ पे सेक, ऐसे क्या बचने वाला है 90 में से 31 जाएगा तो 59, देन यहाँ पे सेक 59 एज इट इज़। देखो सेम वही 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होता है 0, देयरफॉर सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू आपका आएगा 0। ए आपका आंसर आ गया 0। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।